नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इनके एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान बीएसटीसी रिजल्ट डेट 2020 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था कि आपका रिजल्ट 11 सितंबर के दिन आने वाला। दोस्तों ऐसे में अभी तक बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूजन है कि उनका रिजल्ट 11 सितंबर के दिन आएगा या फिर नहीं आएगा। साथ ही साथ आप अपना रिजल्ट है वो कैसे चेक कर सकते हो वो भी बताऊँगा। साथ ही साथ मैं आपको एक प्रूफ भी बताऊंगा जो इस वीडियो के अंदर शायद पूरे YouTube पे किसी ने नहीं बताया होगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसलिए वीडियो को कर दो लाइक। अगर आज चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो YouTube चैनल इनके एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या कुछ अपडेट मिल रही है जो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है। वहीं आप देख सकते हो कि आपको आंसर की अभी तक जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी वो आंसर की पाने के लिए विजिट कर सकते हो rajasthanstudy.com का। अधिक जानकारी के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों अब अपन बात डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाते हैं कि भाई आपका रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों जिस दिन एग्जाम था आपकी 31 अगस्त के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 31 अगस्त के दिन आपका एग्जाम था, उस दिन भास्कर के एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी कि आपका रिजल्ट है वो आपके है 11 तारीख के दिन आ जाएगा। तो वो एक भास्कर की कटिंग थी, हालांकि इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अभी तक ट्वीट नहीं किया। हम आपको एक 11 सितंबर है वो एक्सपायर डेट की जा रही है कि कुछ भी करके 11 सितंबर तक आ जाएगा। बाकी की अपडेट जो शिक्षा विभाग देगा वही हमें मान्य होगा। अब कुछ और बात करने से पहले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर डाउटनेट के साथ यहाँ पर आपको राकेश यादव व आर एस अग्रवाल की सारी बुक वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आपको क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके डाउटनेट पर सेंड कर देना, 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ शिक्षा विभाग आपकी एज पॉसिबल कोशिश कर रहा जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की। तो हम आपको यहाँ पे बता सकते हैं 11 सितंबर तक तो आ सकता है, हालांकि इसकी एक न्यूज़पेपर ने पुष्टि की है, बाकी शिक्षा विभाग ने नहीं की है क्योंकि उनको आया वो रिजल्ट जारी करने के बाद काउंसलिंग भी करवानी है। बाकी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लो।